कला, संस्कृति, खेल या हो राजनीति की बात, जानेंगे इनसे जुड़ी हस्तियों के दिल की बात मेरे यानी शशि गुप्ता के साथ जेके अपडेट खास मुलाकात। नमस्कार, जेके अपडेट के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है जिसका नाम है खास मुलाकात। दोस्तों, मैं हूं शो का होस्ट और आपका दोस्त शशि गुप्ता। दोस्तों, इस शो के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से कई मुकाम हासिल किए हैं। जेके अपडेट खास मुलाकात में हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी ही हस्तियों से। आज हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर दार जी, वेरी स्मार्ट, वेरी हैंडसम, वेरी डैशिंग एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। और उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को आज तक की सबसे हिट मूवी दी है गीतियां। की ताकत आलेंगी क्या ताकत दस्ते है। ये दिया। सनवीर जी, स्वागत है आपका हमारे जेके अपडेट के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है खास मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। तनवीरदार जी, आप अपने कुछ शुरुआती दिनों के बारे में हमें बताएं। शशि जी, मैंने कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप की यहाँ जम्मू में, उसके बाद फिर यहाँ कशे चैनल के सीरियल्स किए, जम्मू के जो लोकल सीरियल्स थे वो किए, मैंने स्टेज किया, नुक्कड़ नाटक किए, बॉर्डर शोज किए, और उसके बाद मैं मुंबई चला गया। मुंबई मुझे जाने का एक मौका मिला, वहाँ स्वाभिमान सीरियल था महेश भट्ट जी का, मैंने उसमें काम किया। फिर उसके बाद मेरी एक मूवी आई थी रुस्लान, मौसमी चटर्जी की बेटी थी उसमें, असरानी जी थे, राजवीर थे, शहबाज खान, दिनेश यादव, वो मैंने मूवी की। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो यहाँ आके फिर मैंने दोबारा से मूवी स्टार्ट कर दिया, स्टेज करना, सीरियल्स करने, बस इसी तरीके से हम चलते गए और आगे बढ़ते गए। तनवीरदार जी, आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दौर में आपको कुछ परेशानियां भी आई होंगी, हमें कुछ उसके बारे में भी बताएं। परेशानियां हर एक को आती हैं, परेशानियों से घबराना थोड़ी होता है, जो परेशानियों से घबरा गए वो काम कर नहीं पाते। हमने स्ट्रगल करा है, मुंबई में भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ रातों को हम बॉर्डर एरियाज में जाके कई बार जागते थे, सोने को कई बार नहीं मिलता था, शूटिंग्स भी कई बार हम लोग शूट करने के लिए जाते थे और रूम्स नहीं होते थे, जैसे कैसे भी मैनेज करते थे, अरेंज करते थे, तो ये चीज़ें ये यादगार बन जाती हैं ये चीज़ें। तनवीरदार जी की जब बात होती है उस वक्त घटिया की बात ना हो ये कभी नहीं हो सकता। सर, आप उसकी कामयाबी के बारे में कुछ बताएं। मूवी जब हमारे मित्र, मेरे दोस्त राहुल जी से जब हम लोगों ने डिस्कस करा, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं तो राइटर भी हैं, तो जब उन्होंने बात की उस मूवी के बारे में, हम लोगों ने डिसाइड करा कि ठीक है, यहाँ पे एक मूवी बननी चाहिए, अच्छी मूवी बननी चाहिए, और काफ़ी देर से हम लोग सोच रहे थे कि ऐसी मूवी, क्योंकि जो मूवीज़ आ रही थी कुछ अच्छी भी थी, कुछ ऐसी थी कि मतलब जो एक डोगरी तो थी, अब डोगरी क्या थी कि लोग शायद डोगरी को एक कॉमेडी समझते थे प्रॉपर तरीके से। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से हमारी जो लैंग्वेज थी उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा था, प्रेजेंट नहीं किया जा रहा था। तो जब उस मूवी को उस बॉलीवुड के तरीके से बनाया गया, नई टेक्निक से बनाया गया और लोगों को पसंद भी आई, और ओरिजिनल मूवी अपनी अपनी लैंग्वेज और अपने यहाँ की स्टोरी, रिवॉल्वर दिया गोलियाँ, बचपन च गीठियाँ कने खेती दियाँ खेडा चेता करा दियाँ गीठियाँ नील तस्कर करके टीजर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो फिर कुछ दिक्कतें आ गई हमारी, कुछ डिमोनेटाइजेशन हो गया, कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को प्रॉब्लम आ गई, अदरवाइज हमारा वो वेव में चल रहा था उसका प्रॉब्लम। तो आई होप कि नेक्स्ट ईयर तक वो मूवी आ जानी चाहिए, हम लोग पूरा उस पर काम कर रहे हैं और उसी को राहुल ही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप आने वाली फिल्म में बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ लोकल आर्टिस्ट को भी उतना ही मौका दे रहे हैं? हमने लास्ट टाइम जब गीतियाँ बनाई थी, हमने हमारे कास्ट भी मैक्सिमम यहीं से थी, टेक्नीशियंस को हमने भी मौका दिया कि बाकी टेक्नीशियंस के साथ काम करिए, और
इन लोगों ने भी सीखा कि काम मूवीज कैसे बनती हैं और हमें भी पता चला बाकी लोगों के साथ काम करके। और आई होप इस बार भी यहाँ के काफ़ी आर्टिस्ट कोशिश करेंगे, अब डिपेंड्स कि हमारी वो स्क्रिप्ट क्या बोलती है या हमारे डायरेक्टर क्या कहते हैं, सारा उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑफकोर्स यहाँ के लोगों को काम से मिलेगा ही मौका, तो हमारी तो यही कोशिश है कि यहाँ पे ही शूट हो, घर में ही शूट हो, हमारे जम्मू कश्मीर में लद्दाख में शूट हो, यहाँ के लोगों को काम मिले। तनवीर जी, काफ़ी मेहनत के बाद आपने ये सफलता हासिल की है, कुछ युवा भी हैं जो आपको देखकर इस फील्ड में आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको कुछ टिप्स दें, कुछ सजेशंस दें, जिससे वो इस फील्ड में आकर अपने आप को एक्सेल कर सके। शशि जी, मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कोई साधन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। जैसे आप लोग मुंबई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, अब यहाँ के जो युवा हैं, हमारे नए लड़के हैं, ठीक है, अच्छा दिखना एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अच्छा दिखना ही काफ़ी नहीं है। मैं उन युवाओं को, उन बच्चों को, उनको बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ये पढ़े लिखों की जमात है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। तो ज्यादा मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पढ़े लिखे लोगों का ही काम है। लोग क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं इसके पीछे, बस अच्छा दिखना, बाल बड़े हैं, वो सब करके। आपको पहले जानना है कि आप कर क्या सकते हो, आप एक्टिंग करोगे, आप किस फील्ड में जाओगे। आज मैं ये कहता हूँ लोगों को कि लोग अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर्स बनाते हैं। आप बच्चे में पहले तराशी कि बच्चा चाहता क्या है। अगर बच्चे को इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो उसके आगे फिर वो बहुत कुछ है। आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की का जो है NSG करवा सकते हो बच्चे को, FTI में भेज सकते हो, आप एब्रॉड कहीं भेज सकते हो उसको कोरियोग्राफी के लिए या सिनेमाटोग्राफी के लिए। बहुत सारे वास्ट फील्ड है। तो हम लोग शायद सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को यही बनाना है, उसको एक सैलरी मिलनी चाहिए, एक फिक्स मॉडल एक माइंड सेट हो गया होगा। तो बड़ा अच्छा फील्ड है अगर इससे प्रॉपर तरीके से इसको अगर आपको आपको ट्रैक मिल जाए। और मैं युवाओं को यही कहूँगा कि आप पहले मेहनत कीजिए, देखिए, जानिए अपने अंदर कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो देन आप स्टेज करिए, ड्रामा कीजिए, आप वर्कशॉप्स कीजिए, आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ मिलिए, एक्टर्स के साथ मिलिए, और फिर उसके बाद आप जाके वहाँ की स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप रात को डिसाइड किए हैं, सुबह बिस्तर पर लेके आप पैक करके आप मुंबई पहुँच के, वहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं, वहाँ काम नहीं मिलता है। तनवीर जी, आपका कहना है कि स्ट्रगल करेंगे तभी हम कामयाब भी होंगे। ऑफकोर्स स्ट्रगल जरूरी है, और स्ट्रगल मुकाम हासिल करने के बाद पहले तो आपको 10% ही स्ट्रगल करनी है, और 90% लक है। और जब आपको आप फेम हासिल कर लेते हो, कोई चीज़ को आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो, फिर 99% मेहनत करनी है उसको सस्टेन करने के लिए, उसे कायम रखने के लिए। ये बड़ी चीज़ें हैं। तनवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास मुलाकात प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। और आपको आपकी आने वाली फिल्म नील तस्कर के लिए ढेरों शुभकामनाएं जेके अपडेट परिवार की तरफ से। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात तनवीर डार जी के साथ। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर से होगी एक मुलाकात नई हस्ती के साथ। मुझे यानी शशि गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जी की अपडेट रहें हमारे साथ। जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए लॉग ऑन करें jkupdate.com पर। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें जेकी अपडेट मोबाइल ऐप। सब्सक्राइब करें जेकी अपडेट यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। और हाँ, हमारा फेसबुक पेज लाइक करना न भूलें।